महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए महिला एवं बाल विकास निगम के अंतर्गत आपके शहर किशनगंज में आज सिलाई सेंटर एवं कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य, इसका मकसद उन बच्चियों और महिलाओं को मुफ्त ट्रेनिंग देना जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। दावा है कि यह सेंटर किशनगंज की हजारों बच्चियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह न केवल नौकरी के मौके फराहम करेगा बल्कि सम्मान के साथ समाज में जीने का मौका भी देगा। अगर आप मुफ्त सिलाई सीखकर रोजगार से जुड़ना चाहते हैं या कंप्यूटर ट्रेनिंग लेकर इस क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है। इसीलिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ये एक जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है, 3 से 4 महीने का कोर्स है। इसे कंप्लीट कर लेने के बाद कोई भी स्टूडेंट लाभार्थी अपने आप को आत्मनिर्भर कर सकता है, किसी जॉब में भी जा सकता है या फिर इंडिपेंडेंट होकर के कहीं पर 2 पैसा वो कमा सकता है और अपना जीविका को चला सकता है। हम आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि जितने भी नौजवान हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शेयर करें और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। इसमें किसी भी तरह की कोई फीस नहीं है और रही बात है एडमिशन के लिए तो उनको बस 10th पास होना चाहिए और उम्र उनकी 18 से 30 साल की महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पर क्या क्या सिखाएंगे इसमें कंप्यूटर में? इसमें गवर्नमेंट का अपना सिलेबस है, इसमें डेटा एंट्री है, बेसिक्स कंप्यूटर की नॉलेज है और हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें, ये जो सिलेबस जो गवर्नमेंट से प्रोवाइड की जाती है तो बाहर की जो बड़ी कंपनियां हैं उनको डेटा एंट्री के लिए जो बेसिक चीज़ें लगती है वो सारी यहाँ पर सिलेबस में सिखाई जाती है। पहले मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन में कोई भी अगर इंटरेस्टेड है या फिर उनको बढ़ावा दे रहे हैं उनको हम सबको सैल्यूट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात उन्हें कहा कि महिला का ही प्रशिक्षण है और शायद 3 या 4 महीने के करने के बाद कंप्यूटर की पढ़ाई होगी शायद जिसमें, और उससे भी बड़ी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम सब इनको धन्यवाद देते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं। ऐसा हर जगह होना चाहिए क्योंकि जहाँ पर प्रोत्साहन हो एजुकेशन मामले में हम सबको भी चाहिए, हर जगह इसकी बात रखनी चाहिए। ये तो हम लोग की जिम्मेदारी बनती है, जो भी एजुकेटेड पर्सन है उनको उनकी जिम्मेदारी बनती है एजुकेशन का बढ़ावा कैसे हो इसके हर जगह प्रचार करना चाहिए। अब सब लोगों को हम चलते सोचते हैं कि प्रभोग करना चाहिए लोगों को, भाई पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा हो, पढ़ाई जरूरी है एसेंशियल इस दौर में और ये फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को। इसके लिए अच्छी बात इन्होंने शुरुआत की है। मैं भी जहाँ जहाँ जाता हूँ चाहे वो कोई भी मजलिस हो कोई भी प्रोग्राम हो हर जगह मैं एजुकेशन के बारे में जरूर बोलता हूँ और इससे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये फ़ायदा भी होता है, लोग एहसास करते हैं कि नहीं भाई एजुकेशन। मैं अपना मिसाल देता हूँ कि मैं आज अगर MLA हूँ कहीं ना कहीं एजुकेशन मेरा एक फैक्टर है तो लोगों को एहसास होता है कि नहीं जाहिर सी बात है। और मैं लोगों को कई बराबर कहा करता हूँ एजुकेशन का मतलब सिर्फ जॉब लेना नहीं होता है, एजुकेशन ऐसा लें कि आप किसी को जॉब भी दे सकें ये मकसद होनी चाहिए। मैं सबसे पहले ये केंद्र कायम करने वाले हमारे अजीज़म को बहुत ही बहुत मुबारकबादी मैं देता हूँ और उनके वालिद साहब अलहाज महमूद साहब जिन्होंने अपने बेटे को ये फिक्र दिलाई और सरकार से लेकर के इस केंद्र को यहाँ लाने में कामयाबी हासिल की, उनकी जो एक सोच और बेहतरीन तामीरी फ़िक्र है मैं उसके ऊपर उनको मुबारकबादी देता हूँ। अल्लाह ताला उनके इस तामीरी सोच को और तामीरी फ़िक्र को कबूल फरमाए। और इस तरह का केंद्र सिर्फ किशनगंज में नहीं, हमारे इलाके के जितने भी मेन मार्केट्स हैं इन तमाम जगहों के अंदर इस तरह का क़याम हो ताकि गरीब बच्चियां, गरीब घरानों के अंदर भी ज़हानत के कमल खिलते हैं तो उन गरीब घरानों की बच्चियां जो 10th करके अपने घरों में बैठी रहती हैं तो ऐसे घराने की भी बच्चियां इस फ्री इन कोस्ट इस केंद्र से वो भरपूर फ़ायदा हासिल करें। और जिस तरह इनका वादा है कि सरकार से कोई नौकरी और जॉब या कंपनी नौकरी या जॉब दिलाने की हम जो है कुछ मदद करेंगे तो इस तरह जॉब में हमारी बच्चियां पर्दा के साथ शरीयत के हदूद में रह करके अगर वो आएँ तो बहुत खूब है, बहुत मुबारकबाद, ऐसे बच्चियों को आगे आना चाहिए। एक बहुत खुशी की बात है कि ये पश्चिम बाली इमली गोला में FCI गोदाम के पास ये ट्रेनिंग इसका आज उद्घाटन किया गया है और आप लोगों से गुजारिश है, आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें
जितने भी बच्चे बच्चियाँ हों जो बेरोज़गार हैं यहाँ आकर के वो ट्रेनिंग में एडमिशन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें।